हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एम क्रिएशन टू जीरो टू जीरो आज हम ये ओल्ड साड़ी से लहंगा एंड ब्लाउज़ बनाएंगे ये लहंगा ब्लाउज बनाने के लिए हमने बॉर्डर वाली साड़ी ली है जिसके लिए हम बंद कली वाला लहंगा बनाएंगे जिससे हमारा बॉर्डर परफेक्ट बैठ जाए इस साड़ी में से हम डेढ़ मीटर जितना कपड़ा काट के निकाल लेंगे जिससे हम ब्लाउज बना सके और अराउंड फाइव मीटर जितना कपड़ा हम रखेंगे जिससे हम अपना लहंगा बनाएंगे यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउज़ के लिए क्लॉथ निकाल लिया है यहाँ पे मेरे पास फाइव मीटर क्लॉथ बचा है जिसका मैंने फोर फोल्ड कर लिया है फोर फोल्ड करने के बाद इसको हम एट फोल्ड करेंगे आपके पास कम क्लॉथ हो तो आप एड फोल्ड में ही अपनी कटिंग कर लो पर मेरे पास ज़्यादा है फाइव मीटर तो मैं इसकी सिक्सटीन कलियाँ बनाऊंगी जिसके लिए मैं और एक बार फोल्ड कर लूँगी तो यहाँ पे हमारे पास सिक्सटीन कलियाँ आ जाएगी सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे यहाँ पे मेरी लेंथ थर्टी नाइन है और दो इंच का हमारा नेफा आएगा तो हम दो माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे जिससे हम मार्जिन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने थर्टी एट पे मार्क लगाया है दूसरी साइड भी हम थर्टी एट पे मार्क लगा देंगे दोनों मार्क को स्केल से मिला देंगे लेंथ का मार्क लगाने के बाद हम नीचे की ओर भी दो इंच छोड़ते हुए मार्क लगा देंगे क्योंकि हमें नीचे कली कट नहीं करनी है जितना हमारा बॉर्डर है उससे हम दो इंच ऊपर से मार्क लगा देंगे जितना बॉर्डर है आप वहाँ से दो इंच ऊपर तक छोड़ दो देन वो मार्क लगाने के बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे जिस जिसके लिए हम कैल्स का इस्तेमाल करेंगे हमारे पास हमारी वेस्ट थर्टी है और हमारे पास कली सिक्सटीन है तो हम थर्टी को सिक्सटी के साथ भाग देंगे यहाँ पे हमने सिक्सटी के साथ भाग दिया तो हमारे पास अराउंड वन पॉइंट एट सेवन फाइव आया है और उसमें हम एक प्लस मार्जिन के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड थ्री के आसपास आया है तो हम थ्री मान के थ्री पे ही मार्क लगा देंगे तो यहाँ पे मैंने जितना हमारी क्लॉथ की लेंथ है उसको मैंने यहाँ पे हाफ़ कर लिया है तो हाफ़ में इस तरह से कर रही हूँ इसका हाफ़ पे हम एक मार्क लगा देंगे और हमारा तीन आया है तो दोनों साइड डेढ़ डेड रख देंगे वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव तो हमारा तीन हो जाएगा आपका जितना भी है तो आप उतना लगा लो देन हम जो हमने वेस्ट पे निशान लगाया है उसको हम नीचे जो निशान लगाया था वहाँ तक हम तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे या पे मैं टाँकड़ी से सिक्योर करके निशान लगा रही हूँ आपके पास अपनी मदर सिस्टर या ब्रदर कोई भी हो उसको आप ये पट्टी पकड़ा के तिरछा लाइन ड्रॉ कर सकते हो मेरे पास कोई नहीं था तो मैं खुद ही टाकड़ी लगा के ये मार्क लगा लिया है सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी ये तिरछा लाइन लगा लेंगे मार्क लगाने के बाद हम स्केल से भी एक बार देख लेंगे कि हमारा मार्क एकदम बराबर तिरछाया है कि नहीं कई बार क्या होता है कि हमारी माप पट्टी इधर उधर हो जाती है तो हमारा मार्क थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हम एक बार स्केल से देख लेंगे यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास सिक्सटीन फोल्ड है तो थोड़ा काटने में दिक्कत होगी तो आप मेरी तरह ऐसा हाफ करके भी काट सकते हो ऊपर के एट लेयर पहले ले काट दो फिर नीचे के एट लेयर काट दो तो आपको काटने में आसानी होगी देन हम जो साइड में हमने तिरछा निशान लगाया है उसके भी हम कटिंग कर लेंगे फटक से यहाँ पे एक साइड कटिंग हो गई अभी दूसरी साइड भी हो गई यहाँ पे हमारी सारी कलियाँ कट हो गई है यहाँ पे हमारी सिक्सटीन कलियाँ निकल के आई है ये दो ये चार ये क्लोथ हमारा फोर फोल्ड है तो ये सिक्सटीन है ये देखिए हमारी सिक्सटीन कलिया देन अब हम नेफे की भी कटिंग कर लेंगे जिसके लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है जो हमने लहंगा कट किया उसके ऊपर जो निकला था साड़ी का क्लॉथ उससे ही हम अपना नेफा बनाएंगे जिसके लिए हम अपनी वेस्ट है वो साइज़ का क्लॉथ कट कर लेंगे यहाँ पे मेरी वेस्ट थर्टी है तो मैं थर्टी इंच पे मार्क लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दूंगी काटने के बाद हम इसको भी फोल्ड कर देंगे और इसकी लेंथ हम फाइव इंच रखेंगे दो इंच का हमारा बॉर्डर है दो इंच का हमारा नेफा बनेगा और एक इंच हमारी मार्जिन के लिए तो हमने फाइव इंच पे निशान लगा के नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़े को भी निकाल दिया है यहाँ पे हमारा नेफा कट हो गया है देन हम इसको फोल्ड करके ऐसे लगा देंगे इसके नीचे हमारी कलिया आ जाएगी यहाँ पे हमारा नेफा रेडी हो गया है अब हम कलिया को कैसे ज्वाइंट करेंगे ये देख लेते हैं सबसे पहले हम पहली कैली को दूसरी कली के ऊपर ऐसे उल्टा रख देंगे और हम यहाँ पे साइड में सिलाई लगा देंगे देन दूसरी कली को तीसरी कली के साथ तीसरी को चौथी के साथ ऐसे सारी कलियाँ ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे हमारे पास सिक्सटीन कलियाँ है ये देखिए बहुत सारी कलियाँ है हम सभी को ज्वाइन कर लेंगे हम अभी मशीन पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने सारी कलियाँ ज्वाइन कर ली है लास्ट में एक कली की है वो हम आपको दिखाएंगे कि कलिया कैसे ज्वाइन करनी है ये हमारी लास्ट कली है और ये हमारी लास्ट सेकेंड कली है इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे बेसिकली हमें एक कली को उल्टा और एक कली को सीधा ही ज्वाइंट करना है अब को एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जो हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है उसको छोड़ते हुए ही हम सिलाई लगा देंगे देन हम सिलाई को लास्ट तक लगा देंगे जहाँ तक हमारा कट है कट के बाद भी हम हाफ या डेढ़ इंच तक आगे सिलाई करेंगे देन हम इसके ऊपर दूसरी बार सिलाई कर देंगे सेम तरीका अपनाते हुए हमने सारी कलियाँ ज्वाइंट कर ली है देन हमने उसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगा दी है जिससे हमारी सिलाई निकले ना यहाँ पे हमारी सिक्सटीन कलियाँ हो गई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी यहाँ पे हमारी सिक्सटीन कलियाँ जॉइट हो गई है अब हम इसको नेफे के साथ अटैच करेंगे जिससे पहले हम नाप लेते हैं कि ये कलिया हमारे नेफे के बराबर है कि नहीं यहाँ पे हमारा नेफा सिक्सटीन पॉइंट फाइव का है अभी हम अपनी कलियों को माप लेते हैं कि ये कितनी हुई है तो ये भी हमारी अराउंड अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव की हुई है तो हमारा नेफे के साथ बराबर अटैच हो जाएगा जिसके लिए हम नेफे को साइड से पहले फोल्ड करके उसमें ओंट लगा देंगे सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे देन इसके बाद हम इसमें अपने कली को जॉइंट कर देंगे जिसके लिए हमें अपने नेफे को सीधा रखना है देन हमारी कली को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे हमने जो हाफ इंच मार्जिन छोड़ा था वो छोड़ते हुए ही हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ पे हमें नेफे के एक भाग को ही सिलना है अपनी कलियों के साथ दूसरा भाग हम दूसरी बार सिलाई करेंगे तब इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे हमने नेफ का एक भाग अटैच कर लिया है ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है अब उल्टी साइड को हम फोल्ड करते हुए नेफे को अपनी काली के ऊपर जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे हमने सारी सिलाई लगा दी है देन हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है अब हम साइड सिलाई कर लेंगे जिसके लिए हमने दोनों एंड को ले लिया है और ऊपर हमारा ये रस्सी आ जाए उतना भाग छोड़ दिया है देन उसके नीचे हम सीधी सिलाई लगा देंगे साइड सिलाई करने के बाद हमारा पूरा लहंगा रेडी हो जाएगा यहाँ पे मैंने साइड सिलाई भी कर ली है यहाँ पे हमारी रस्सी आ जाएगी और ये देखिए हमारे लहंगा का फाइनल लुक हमारा लहंगा कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे मेरा फाइव मीटर क्लॉथ था आप दो मीटर तीन मीटर चार मीटर जितना भी मीटर क्लॉथ है उससे आप बना सकते हो इस लहंगे में मैंने लटकन भी बनाए हैं आप भी ऐसे लटकन बनाना चाहते हो तो इस लटकन के फुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है आप वहाँ जाके इस लटकन को देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है इसको बनाना एकदम इजी है आप बिगनर्स हो तो भी आप आसानी से बना सकते हो इस लहंगे के साथ पहनने के लिए मैंने ब्लाउज भी स्टिच किया है जिसकी वीडियो भी जल्दी चैनल पे आ जाएगी जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अब वहाँ जाके इसका ब्लाउज मैंने कैसा बनाया है वो जरूर देखिएगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि तो मैं इस चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो डालती रहती हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना है जिससे मैं कोई और वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसके लटकन देखना बिल्कुल ना भूले जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप वहाँ जाके लटकन को देख सकते हैं मिलते हैं कोई और वीडियो में तब तक के लिए बाय